केमिकल वाले तो कैपेसिटी मतलब पावर जो है ज्यादा है इसमें। ये कोटिंग हमने बताया 3 तरीके की होती है, रूटाइल, बेसिक और सेलुलोज। ठीक, दिख रहा है सबको? जो वेल्डिंग इलेक्ट्रोड में जो कोड पढ़े हैं, कोड लिखे होते हैं, वो दो मेथड से लिख सकते हैं, या तो इंडियन, जैसे BIS होता है हर चीज का इंडियन स्टैंडर्ड IS, दूसरा होता है AWS अमेरिकन वेल्डिंग सोसाइटी का कोड। तो इंटरनेशनली जो चलता है कोड वो AWS ही चलता है, इसलिए आपके पास भी जो इलेक्ट्रोड आते हैं उसमें सब में AWS कोड ही लिखा होता है। आप यहां जाओगे, सऊदी जाओगे, ऑस्ट्रेलिया जाओगे, US जाओगे, सब जगह AWS तो सब में मिलेगा। कई कंट्री में क्या होता है AWS के साथ में उनका लोकल, जापान में GIS, जर्मनी में DIN, अलग अलग स्टैंडर्ड है, इंडिया में IS, इंडिया में IS नहीं पड़ता, बाकी दूसरे कंट्री अपना स्टैंडर्ड भी डालते हैं साथ में। ज्यादातर सब AWS से सब लोग इलेक्ट्रोड हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रोड में जो डिजिट लिखी होती है वो या तो 4 या तो 5 डिजिट की होती है। आगे सबसे पहले E लिखा होगा, इसके बाद अगर 4 डिजिट का है तो शुरुआत की 2 डिजिट वो बताएंगे उसकी स्ट्रेंथ, UTS। अगर 4 डिजिट का है तो शुरू की 2 डिजिट बताएंगे उसकी UTS। अगर 5 का है तो शुरू की 3 डिजिट बताएंगे उसकी UTS। UTS का मतलब उसकी स्ट्रेंथ, उसकी मजबूती बताएंगे। हम फोन करते हैं आप, हेलो फोन करते हैं। सीधा सीधा आप जैसे लिखा है 6013, कितनी डिजिट का है? 4 डिजिट का। और किनारे से सेकंड वाले आप बताओ 6013 कितनी डिजिट लिखी? 3 लिखी कि 4? 4, 4 लिखी ना। 7018 कितनी डिजिट लिखी? 4। शुरुआत की इसकी डिजिट कितनी है? 60, और उसकी क्या हुई? 70। 60 वाला ज्यादा मजबूत हुआ कि 70 वाला? तो इलेक्ट्रोड आपको अगर कोई मिला 6013 या 9018 या 9015, तो आप शुरुआत की 2 डिजिट